हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपके सामने EBS का चैप्टर 4 डिफरेंट हाउसेस के बारे में बताऊंगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वी लिव इन ए हाउस, वी ऑल नीड हाउस टू लिव। हम सभी अपने घर में रहते हैं और हमें रहने के लिए क्या जरूरत होती है? घर की जरूरत होती है। वी लिव इन ए हाउस विद आवर फैमिली। और जो है, हम अपने घर में किसके साथ रहते हैं? अपने फैमिली के साथ रहते हैं, परिवार के साथ। लेट्स रीड अबाउट डिफरेंट हाउसेज। हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? हाउसेज के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग जगह पर कैसे कैसे हाउसेज बनते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ हाउसेज। When you look around, you see many types of houses. जब भी आप चारों तरफ देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप तरह तरह के houses बने हुए देखते होंगे। Some houses are big and some are small. कुछ घर बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है बंगलो, ये पिक्चर बनी हुई है फ्लैट्स की, और ये बनी हुई है हट। तो इस तरीके से इसको देख कर भी आपको पता लग रहा होगा कि कई तरह के houses जो है वो बनाए जाते हैं। सब हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, कॉन्क्रीट, सीमेंट एंड आयरन। बहुत कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जो ईंटों से बनते हैं, सीमेंट से बनते हैं और लोहे से बनाए जाते हैं। तो दीज आर पक्का हाउसेज। इनको हम क्या बोलते हैं? पक्का हाउस बोलते हैं। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट हाउसेज, और इनको परमानेंट हाउसेज भी बोला जाता है। सम हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्टोन्स, बैम्बू, मड, स्ट्रॉ, ग्रास। और कुछ हाउसेज जो है पत्थर से बनाए जाते हैं, बैम्बू स्टिक से बनाए जाते हैं, कीचड़ से, स्ट्रॉ से और घास से। दे आर कच्चा हाउस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी हाउस। इनको हम कच्चा हाउस भी बोलते हैं और टेम्परेरी हाउसेज भी बोलते हैं। डू यू लिव इन अ पक्का हाउस और कच्चा हाउस? तो ये आप बच्चों से पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सम टेम्परेरी हाउसेज। कुछ टेम्परेरी हाउसेज होते हैं जो हम हमारे जो घर होते हैं उनके आसपास हमें नज़र नहीं आते, और कुछ नज़र भी आते हैं। जैसे ये पिक्चर बनी हुई है, सम हाउसेज आर बिल्ट ऑन व्हील्स, दे आर कॉल्ड कारवा, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये टेम्परेरी हाउसेज इसे बोला जाता है क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होते रहते हैं, और इनके नीचे क्या लगे रहते हैं? पहिए लगे रहते हैं, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह पर घुमा सके। सम हाउसेज फ्लोट ऑन द वाटर, दे आर कॉल्ड हाउसेज। और कुछ हाउस कैसे होते हैं जो पानी में तैरते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, इसीलिए उनको हाउस बोट भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है सम पीपल लिव इन कोल्ड रीजन। कुछ लोग ठंडी जगहों पर रहते हैं, और उनके जो घर होते हैं वो किससे बने होते हैं? स्नो से बने होते हैं। दे मेड हाउस ऑफ स्नो, दे आर कॉल्ड इग्लू, और उनको क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट है ये क्या बना हुआ है? टेंट बना हुआ है। दिस इज अ टेंट, इट इज मेड अप ऑफ कैनवास, इट इज यूज्ड बाय स्काउट्स, कैडेट्स एंड सोल्जर्स। तो जहाँ जहाँ पर मतलब कोई भी रिफ्यूजी कैंप लगाए जाते हैं, फौजी जैसे कहीं कहीं जाते हैं, वहाँ पर उन्हें रहना पड़ता है, तो उस जगह पर बनाने के लिए वो टेम्परेरी क्या बनाते हैं? टेंट बनाते हैं, जो कि देखने में आपको पता लग रहा है। तो इस तरीके से वो वहाँ पर रह सकते हैं। इसके बाद आता है बुकवर्क। सबसे पहला क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इट इज अ हाउस ऑन व्हील्स। व्हील पे कौन सा हाउस बताया था मैंने? इग्लू या कारवा? कारवा। इन हॉट प्लेसेस, नेक्स्ट आता है इन हॉट प्लेसेस हाउसेस हैव, हॉट प्लेसेस में कैसे हाउस होते हैं? फ्लैट रूफ्स, स्लोपिंग रूफ्स। हॉट प्लेसेस में फ्लैट रूफ्स। ए पक्का हाउस इज कॉल्ड ए परमानेंट हाउस और टेम्परेरी हाउस। पक्का हाउस के लिए क्या बताया था? परमानेंट हाउस। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंट इज मेड अप ऑफ कैनवस। इन माउंटेन्स हाउसेज हैव, स्लोपिंग रूफ्स। सम हाउसेज आर, सम हाउसेज आर बिग। ए डैश कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कौन सा बताया था? कारवा। नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
Where do you find houses having flat roofs? Flat roofs कहाँ पे होते हैं? अभी डिस्कस किया था हमने, इन हॉट प्लेसेस. What kind of roofs do houses in mountain have? माउंटेन की जगह पर कैसे रूफ्स होती हैं? स्लोपिंग रूफ्स. What is a houseboat? Houseboat क्या होता है? अभी बताया था मैंने, जो पानी पे तैरते हैं. A houseboat floats on a water. तो इस तरीके से आप बच्चों को मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में.